सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि अगर भारत के पास गीता है तो फिर इससे बड़ा कोई अमृत और इससे बड़ा कोई धन नहीं हो सकता, फिर हमें किसी से डरने की और कमजोर पड़ने की जरूरत क्या है। यही ग्रंथ है जिसको विदेशियों ने भी बहुत महत्व दिया और दुनिया की हर भाषा में इसका अनुवाद हुआ। क्या क्या चर्चा आपसे करें, भारत का 70 साल का एक व्यक्ति गीता की पोथी लेकर के, जबकि शरीर उतना सक्षम नहीं था, यहां से गए रूस से लेकर के अमेरिका, हॉलैंड और न जाने कितने कितने देशों को उस रूप में प्रभावित कर दिया कि अमेरिका में वृंदावन बना दिया। वो इस कौन के संस्थापक थे, प्रभुपाद जी महाराज। बहुत तरह के लोगों ने भारत की गीता दुनिया को दी। विवेकानंद जब गए पूरा अमेरिका उनके पीछे चल पड़ा था, उन्होंने भी गीता को बहुत महत्व देकर उसके संदेश वहां सुनाए। मैं भी आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में गंगा एक है दूसरी गंगा नहीं, हिमालय भी एक है दूसरा हिमालय नहीं, तो दुनिया में गीता भी एक है दूसरी गीता नहीं। इसलिए गीता हमारे पास होनी चाहिए, गीता को हम महत्व दें। तो ये तो हुई महिमा। अब हम समझें कि गीता को सुनने के साथ साथ जीवन में गीता क्या दे रही है, तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको रोज के लिए काम आ जाए। तो श्रीमद् भगवत गीता के वो संदेश देखिए। दो ग्रंथों को लोग ज्यादातर सुनते हैं, एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें वर्णन आता है कि भगवान ने, भगवान कहाँ कहाँ गए, किससे मिले, क्या किया, मतलब उनकी लीला कथा। तो ये वर्णन वहां है। और गीता में क्या है, श्रीमद् भगवत गीता क्या है, जो ये कहती है भगवान ने हमारे लिए क्या कहा, कैसे जिए, कैसे रहें, क्या करें, उनके उपदेश और संदेश जिस ग्रंथ में है उसका नाम है गीता। बस वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो एक श्लोक मेरे साथ बोलिए, जहां से पुस्तक का पेज खुल गया वहीं से मैं सुनाता हूं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनः। अब इसका अर्थ सुन लीजिए। भगवान ये कहते हैं अपना उद्धार अपने आप ही करो, अर्थात स्वयं ही मन से मन को उठाओ। अपना उद्धार स्वयं ही करो, न आत्मानम अवसादयेत, और अपने आप को निराश मत करो, क्योंकि आत्मेव ह्यात्मनो बंधु, तुम स्वयं ही स्वयं के मित्र हो और स्वयं के स्वयं ही शत्रु भी हो। तो अपने दुश्मन मत बनिए, अपने दोस्त बनिए, अपने आप का उद्धार अपना कल्याण खुद करिए, अपने मन से अपने मन को खुद उठाइए, अपने मन में निराशा के विचार लाकर खुद को निराश करके नीचे मत गिराइए। ये संदेश आपने सुना, अब इसकी गहराई में थोड़ा जाने की चेष्टा कीजिए। हम सभी लोग जब भी अकेले बैठे होते हैं या कहीं जा रहे हैं या काम कर रहे हैं या किसी से बातचीत भी कर रहे होते हैं, तो एक कार्य जरूर कर रहे होते हैं, आत्मसंवाद, अपने आप से बात करना।
किसी की बात सुनते सुनते भी हम लोग जो है उसकी बात को अंदर अंदर संवाद चल रहा होता है, खुद के साथ बात चल रही होती है, मन मन में बात कर रहे होते हैं, उसी समय हम ये निर्णय कर लेते हैं कि इसकी बात का जवाब क्या देना है। और अपने अंदर ही बात करते करते हम ये भी विचार कर लेते हैं कि ये जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, ये चालाकी तो नहीं कर रहा है, बात सही बोल रहा है, धोखा तो नहीं दे देगा। आप अगर किसी से मोल भाव भी कर रहे हैं तो मोल भाव करते करते भी आप अपने अंदर अंदर बात कर रहे होते हैं, इतने की चीज लगती नहीं जितने रेट ये बता रहा है, और इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है जितना ये नाम ले लेकर बता रहा है। तो आप अपने अंदर ही अंदर संवाद करते हैं, अपने आपे से बातचीत करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और इस बात को थोड़ा सा और ज्यादा समझना हो, क्योंकि मैं थोड़ी साइकोलॉजी की बात इस रूप में करना चाहूंगा। कभी आप छोटे बच्चे को देखिए जो खिलौनों से खेल रहा हो कमरे में, क्योंकि हमने भी कितनी बार देखा खिड़की से झांक कर के अंदर से आवाजें आ रही हैं और अलग अलग आवाजें निकाल रहा है छोटा सा बच्चा, उसके हाथ में शेर भी है, बकरी भी है, घोड़ा भी है, और एक पुलिस वाला सिपाही भी उसने खड़ा किया हुआ है, वो सबकी आवाजें निकालता है। शेर की आवाज निकालेगा उसी तरह से, फिर बकरी की आवाज निकालता है, फिर सिपाही आ गया, फिर वो जो है अपने हाथ में गन लेकर के जैसे ठा 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 की आवाज निकालता है, वैसे बच्चा आवाज भी निकालता है, और फिर वो खुश होता है, हंसता भी है, अनेक तरह की आवाजें बच्चा निकाल रहा होता है अकेला, लेकिन बहुत तरह की बातें कर रहा है वो। ये जो आप बातचीत ऐसी देखते हैं कि बच्चा अकेला किससे बात कर रहा है, वो खुद से बात कर रहा है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसी बातें आप भी करते हैं, बस आपका अंदर चलता है, बच्चा बार बार करता है, करते आप भी ऐसे ही। बिल्ली को देख लें तो आप भले ही बाहर से म्याऊं म्याऊं ना बोलें, लेकिन मन मन में तो म्याऊं म्याऊं करने ही लग जाते हैं, मतलब बातचीत आपके अंदर चलती है। अब एक बात और ध्यान दें, किसी पागल को भी आपने देखा होगा, वो जोर जोर से कोई बात बोलता हुआ अकेला ही बड़बड़ाता हुआ जा रहा होता है, बस अंतर इतना ही है कि जो आप अंदर बोलते हैं बेचारे का बैलेंस बिगड़ गया, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो जो अंदर बोला जाता है वो बाहर बोलता जा रहा है, बोलते सभी हैं। अब आप क्या कहेंगे, मैं आपको या तो बच्चा कह रहा हूं या वो कह रहा हूं, वो से मतलब समझ गए ना आप, वो नहीं कह रहा हूं, फिर क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि सभी लोग आत्म संवाद करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं। अगर हम डरे हुए होते हैं तो डर के विचार अंदर अंदर चल रहे होते हैं, वही बातचीत करते रहते हैं, चिंता में हैं तो चिंता के विचार करेंगे, निराशा में हैं तो निराशा के करेंगे, और अगर हम नेगेटिविटी वाले हैं तो नकारात्मक विचार ज्यादा आएंगे। जब आपका मन नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव ज्यादा हो जाता है, तो नेगेटिविटी इतनी फैल जाती है कि आपको हर जगह शंका आशंका और गलत चीजें दिखाई देती हैं। फिर आपका दोस्त आपके लिए अच्छी बात भी कहे, लेकिन आपको अगर उसके प्रति शंका हो गई है, आप उसको गलत आदमी समझने लग गए, तो जो भी कुछ वो बोलेगा आपको लगेगा ये आदमी भोलेपन में जरूर बोल रहा है, लेकिन बोला नहीं है, बहुत चालाक, क्योंकि आपके मन में एक आशंका आ गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा मन आप बना लेंगे वैसी दुनिया आपको दिखाई देने लग जाएगी। जैसा मन आपका हो गया वैसे ही आप संसार में व्यवहार करने लग जाते हैं। जो कुछ आपको बाहर दिखाई देता है वो बाहर दिखाई देता है इसलिए क्योंकि अंदर वैसा दिखाई देने लग गया है। इसलिए एक पंक्ति याद कर लेना, वो ये है कि अगर गलत फहमी मन में आ गई तो जितना जल्दी हो सके इसे खत्म कर लीजिए, नहीं तो यह गलत फहमी एक दिन दुश्मनी में बदलेगी और आपके रिश्तों को खा जाएगी। फिर से सुन लीजिए, गलत फहमी को जितना जल्दी हो सके दूर कर दीजिए
अन्यथा यही गलतफहमी एक दिन बढ़ते बढ़ते दुश्मनी में बदल जाएगी और दुश्मनी आपके रिश्ते को खा जाएगी। जो आज तक आपकी ताकत था वो फिर आपकी कमजोरी ही नहीं, वो आपके लिए दुखदाई चीज बन जाएगी। जो आपको देखकर मुस्कुराता था और खुशी देता था, अब उसे देखते ही आपको दुख होगा, गुस्सा आएगा, आपका रिश्ता आपको पीड़ा पहुंचाने लग जाएगा। तो गलत फहमी जितना जल्दी हो दूर कर लेनी चाहिए, ठीक है, याद रहेगा सबको पक्का। तो अब क्या समझा हमने, ये गलत फहमी धीरे धीरे आती है, आती कहाँ है, मन में। मन बिगड़ा, रिश्ते बिगड़ गए। अंदर से ही कुछ बिगड़ता है, बाहर से कुछ नहीं बिगड़ता। पहले दीवार मन में बनती है, बाद में घरों के बीच में बना करती है। इसलिए मन को अगर ठीक कर लिया दुनिया ठीक हो जाती है। कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि पहले मनों में दीवारें बनी थी, मनों में लड़ाइयां चली थी, चलते चलते वो लड़ाई आज कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़ी हो गई। खून के प्यासे हो गए दो भाई, एक परिवार के ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अपना उद्धार स्वयं करो, अपने मन को खुद समझाओ, अपने मन का इलाज करो, अपने मन पर ध्यान दो, अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, अपने मन को सुमन बनाओ। अपने मन को सुमन बनाने के साथ इसको अमन बनाओ। अमन मतलब जो मन है ही नहीं। जब मन है ही नहीं तो ध्यान टिक जाता है और भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं। इसलिए मन को सुमन बनाते बनाते अमन वाली स्थिति में आ जाए तो आपका कल्याण होता है। लेकिन कैसे, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप जैसी भावनाएं बनाओगे वैसे विचार आपके अंदर से उठते हैं। भावनाएं क्रोध की हो सकती हैं, घृणा की हो सकती हैं, प्रेम की हो सकती हैं, प्रसन्नता की हो सकती हैं, त्याग की हो सकती हैं, करुणा की हो सकती हैं, या फिर स्वार्थ की हो सकती है। स्वार्थ की भावना स्वार्थ के विचार देगी, लोभ की भावना लोभ के विचार देगी, दया की भावना दया के विचार देगी। और जैसे विचार आएंगे फिर वैसे एक्शन, वैसे कर्म होने शुरू होंगे। तो भावनाएं ठीक हों, भाव और भावना, विचार और भावना, ये दो चीजें हैं। एक दिल का काम कर दिल पर के कारण उत्पन्न होती हैं, दूसरी दिमाग के कारण उत्पन्न होती हैं। हम लोग भावनाओं से जब सोचते हैं, दिमाग से कोई कितना भी समझाता रहे, दिमाग से लोग समझाते हैं पेड़ नहीं काटने चाहिए, लोगों को नहीं समझ में आता। लेकिन भावना से समझा दिया गया, पीपल की रक्षा करो, तुलसी की रक्षा करो, तो लोग आज तक पीपल को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि भावनाओं में चीज आ गई। जो दिमाग वाले समझा रहे हैं वहां कुछ नहीं हो रहा है। भावना में चीज आ गई तो एक धागा जो बहन बांधती है हाथ में, वो राखी का धागा कीमती बन जाता है, क्योंकि उसमें भावना जुड़ी हुई है। इसलिए ध्यान रख लीजिए, सब कुछ भावना है। और आप ये भी सोचिए कि वो करवा चौथ के दिन जो पत्नी सारा दिन भूखी बैठती है अपने पति के मंगल कामना के लिए, तो भूखा रहने से अगर पति की उम्र बढ़ती हो तो फिर तो रोज रहना चाहिए। भूखे रहने से फर्क पड़ता है, फिर किससे फर्क पड़ता है? वो जो भूखे रहते हुए भावना पैदा होती है, जिसके लिए अन्न जल क्या सब कुछ त्यागा जा सकता है, जिसके लिए मन केंद्रित करके भगवान से प्रार्थना की जाती है मेरा सुहाग अखंड रहे, अचल रहे, इनकी लंबी उम्र हो, और यही मुझे दुनिया से विदाई दें, मुझे घर लेकर आए थे, और दुनिया से विदाई के समय भी मैं सुहागन होकर जाऊं, ऐसी कामना करती हैं महिलाएं। हालांकि दोनों तरह की बातें हैं, आजकल थोड़ा उल्टा उल्टा हो गया। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने देखा कि यहां बहुत जल्दी लोग रिश्ते तोड़ देते हैं,
रिश्तों की कोई कदर नहीं, अंगूठी उतार दी तो रिश्ता उतर गया, अंगूठी पहन ली तो रिश्ता जुड़ गया। तो उनको लगा कि बहुत अजीब देश है। तो एक जगह उन्होंने देखा, एक कब्र के पास एक महिला पंखा कर रही थी, पंखा करते हुए बैठी भी, ताजी मिट्टी थी। उन्होंने पूछ लिया, बहन तुम तो बहुत धन्य हो, तुम्हें अपने पति के प्रति इतना प्यार है कि अपने पति को अभी भी ठंडक पहुंचा रही हो हवा करते हुए। बोले नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ गए। उन्होंने कहा था जब तक मेरे कब्र की मिट्टी सूख ना जाए तब तक शादी मत करना, तुम्हें जल्दी जल्दी सुखा रहे हैं। तो जो मंगल कामना की जाती है भारत में, अभी भी देखा जाए तो 99% तो वही महिलाएं हैं, जो कहना चाहिए जिनको देखकर कहा जाए कि भारत का गौरव है, वो भारत का मान है, भारत की संस्कृति जिनके कारण धन्य है। लेकिन विषय न बदले, आपको ये बताना चाहता हूं, राखी के धागे भावनाओं के कारण कीमती हैं, नहीं तो धागे में कुछ नहीं है। भावना हो तो बहुत कीमती है, आपकी भावनाएं आपको बहुत आगे लेकर जाती हैं। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है, भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस लाचार भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंक ग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 011-4710-4610-28-34-5656 और 28-34-47-67, टोल फ्री नंबर 1800-11-8188। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली